रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जुगलबंदी देखने को मिली है। उत्तर कोरिया के दौरे पर पुतिन ने किम जोंग को एक कार गिफ्ट की और दोनों ने उसमें सफर भी किया, लेकिन ये तस्वीरें बाइडेन को जरूर परेशान करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है तो वहीं दूसरी तरफ रूस। करीब 2.25 साल पहले जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों की मदद मिली, जिससे ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भी झुके नहीं। पुतिन भी अमेरिका को समय समय पर आंख दिखाते रहे। अब कोरिया से आई एक तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नींद उड़ा दी है। पुतिन 19 जून को उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके साथ उनकी गजब की जुगलबंदी देखने को मिली। इतना ही नहीं, दोनों देशों की करीबी की दुनिया भर में बातें हो रही। पुतिन ने अपने दौरे पर किम जोंग को ऑरस सीनेट लिमोजिन कार गिफ्ट की। दोनों कार में बैठे और पुतिन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। उन्होंने किम जोंग उनको कार में घुमाया। इस दौरान दोनों नेताओं को हंसते और बात करते हुए देखा जा सकता है। यही वीडियो जो बाइडेन को परेशान करने वाला। जो कार पुतिन ने किम जोंग को गिफ्ट की, उसे रॉल्स रॉयस की कॉपी कहा जा रहा है। ये कार बेहद ही खास है, क्योंकि महज एक कार नहीं बल्कि समय पर ये बंकर का भी काम करती है। पुतिन के निर्देश पर ही इस कार को बनाया गया। कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। दावा है कि इस पर बम और गोली का असर नहीं पड़ता। इमरजेंसी के लिए इसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी है। इतना ही नहीं, पुतिन की गिफ्ट देने के बाद किम जोंग भी कहां चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने पुतिन को दो कुत्ते रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए। ये खास शिकारी कुत्ते हैं, जो खास पुंगसन ब्रीड के हैं और ये सिर्फ उत्तरी कोरिया में ही पाए जाते हैं। जब पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे तो खुद किम जोंग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाए गए। '70 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया हथियारों का बड़ा सौदागर बनकर उभरा है। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर हथियारों के बेचने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि इसके बाद भी उत्तर कोरिया हथियार बेच रहा है। कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य दोस्ती अच्छी खासी बढ़ी है। अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोप और गोला बारूद सप्लाई किया। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि युद्ध ज्यादा दिनों तक चलेगा। यूक्रेन की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों के समर्थन से यूक्रेन को समय समय पर हथियार मिलते गए और यूक्रेन ने रूस के सैनिकों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके बाद से अमेरिका ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। रूस यूक्रेन युद्ध से जहां दोनों देशों के रिश्ते रसातल पर पहुंचे, तो वहीं रूस चीन और उत्तर कोरिया से करीबी बढ़ाता रहा। अमेरिका के दुश्मन देशों की लिस्ट में उत्तर कोरिया का नाम भी आता है, क्योंकि किम जोंग समय समय पर मिसाइल परीक्षण कर अमेरिका को अपना टशन दिखाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।